नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं BHU पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट टाइम PhD स्कॉलर से एक मीटअप कर रहे हैं, टॉक शूट कर रहे हैं कि एक्चुअली ये टॉक अगर आप लोग पूरा देखते हो तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि रिसर्च में कैसे आप आ सकते हो और इसके क्या क्या मतलब आपके बेनिफिट्स हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो और हम लोग किस डिपार्टमेंट में बता दूँ तो ये आर्ट्स फैकल्टी का AISC डिपार्टमेंट है जहाँ की PhD रिसर्च स्कॉलर से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट सीनियर रिसर्च स्कॉलर PDF स्कॉलर। एक्चुअली मैम उतना मुझे भी नहीं पता कि कौन सा स्कॉलर। ओ वाह, तो मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रश्मि सिंह है। मैंने यहाँ से 2005 में PG, सबसे पहले मैं अपना ही बारे में बता दूँ उसके बाद फिर PhD के वैल्यू पे आएंगे। 2005 में मैंने UG किया, उसके बाद 2007 में मेरा इसी विभाग से PG कंप्लीट हुआ। 2000 और PG करने के ही टाइम मैंने नेट क्वालिफाई किया अपेयरिंग में, और 2008 से मैं यहाँ इनरोल्ड हुई PhD में। PhD मैंने 2013 में कंप्लीट की, उसके बाद मैंने 4 साल आर महिला PG कॉलेज में टीचिंग किया, UG एंड PG स्टूडेंट्स को पढ़ाया। ये अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग आज यहाँ पे AISC डिपार्टमेंट में ज्वाइंट एनुअल कांग्रेस 2022 का एक सेलिब्रेशन है 3 डेज का, और इतना अच्छा गेटअप था, सेटअप था, तो हुआ कि इतना अच्छा जो एक माइंड लेवल है हम लोग था जान लेते हैं, क्योंकि जूनियरों के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा मैम। लोगों को आइडिया नहीं रहता है, खासकर लड़कियों को तो उतना आगे आने का भी मौका नहीं मिलता है। जनरली 12वीं के बाद ही उनके एजुकेशन को कहीं ना कहीं ख़त्म करके लोग उन्हें शादी वगैरह में ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इतना अब ये चीज़ देख के वो लड़कियां कम से कम इतना सोचेंगी कि नहीं, लड़कियां इतना अभी आगे आती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना आगे वाले में भी बहुत आगे रिसर्च में आ रही हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छा मोटिवेट करेगा। क्या नाम है मैम आपका? नीत त्रिपाठी। अच्छा, एक बार सबका नाम जान लेते हैं, आपका क्या नाम है? दीपा सिंह। हाँ, मानसी जायसवाल। हाँ मैम, आपका नाम? रेनू मिश्रा। आपका? प्रियंका उपाध्याय। अच्छा, अभी सब लोग में से मतलब कुछ आप लोग बोलना चाहें कि जूनियर्स के लिए, आने वालों के लिए, मतलब कुछ बता। मैं दीपा सिंह और मैं BHU से 2012 आफ्टर 12 से जुड़ी हुई हूँ। मेरा मैंने यहाँ से ही अपना ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स की डिग्री ली है, उसके बाद मैं यहाँ पे मार्च 2020 से मैं यहाँ PhD कर रही हूँ। और मेरा जो टॉपिक है, बहुत अच्छी बात है कि मेरा टॉपिक ही जहाँ महामना की बगिया है वहीं का टॉपिक है, काशी के। मैं बीट्स पे काम कर रही हूँ, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा साइट है राजघाट साइट, वहाँ से भी मेरा बहुत अच्छा लगाव है। और ये मैं आप लोगों के लिए और कुछ तो नहीं मुझे बताने देता इतना बहुत सारा है। तो अच्छा, सब लोग BHU से ही हैं क्या? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ये चीज़ देख रहे हो, बाहरी लोगों को दर्द होगा। अंदर के बच्चों को ग्रेजुएशन से इतना ट्रेंड कर देते हैं ना कि बाहर वालों का कोई चांस नहीं है ज़्यादा। मैं बता देती हूँ, हमारे साथ 2 गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो आप उनसे जरूर से जरूर इंट्रोड्यूस हुए और अपने आप को जानना चाहूंगा मुझे। हाँ बिल्कुल, आप जानिए। फर्स्ट हमारी सीनियर है निधि त्रिपाठी दी, और 3 गोल्ड मेडलिस्ट ग्रुप, दिस ग्रुप इज गोल्ड मेडल। मुझे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही मुझे 2016 में मुझे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से गोल्ड मेडल मिला हुआ था BHU BA और BSc में फर्स्ट आने के लिए, और BCom में भी। और उसके बाद मुझे फिर 2017 में फिर से मिला था अपने 2018 में MA के लिए भी मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ था। और ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस पढ़ाई करनी होती है। ये सबसे बड़ा हार्ड काम है। बस पढ़ाई करनी पड़ती है और सोशल लाइफ को थोड़ा बाय बाय बोलना पड़ता है, बाकी सब ठीक है, हो जाएगा। रियली बहुत मोटिवेटिंग रहा, बताइए। हाँ, नेक्स्ट है हमारी दीदी, और ये हमारी 1 साल सीनियर हैं, और इनका नाम है रेनू दी, और ये जो हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये भी। जैसा कि निधि दी ने बताया और मेरी जूनियर ने बताया, तो हाँ 2018 बैच की मैं हूँ। MA मैंने यहाँ से किया हुआ है, और मुझे यहाँ से 3 गोल्ड मेडल मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जैसा कि दीन ने बताया कि पढ़ाई करना होता है, तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए लक्ष्य अगर हमारा है तो उसके लिए हमको एक सतत प्रयास करना ही पड़ता है। भले ही वो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अगर हम परिश्रम कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जिसे भी आना है, आगे पढ़ाई करनी है, कुछ आगे
प्राप्त करना है उसे मेहनत करना चाहिए, खुद पे भरोसा रख के और धैर्य के साथ आप करिए, आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम। मैम बताइए कुछ। अरे ये भी गोल्ड मेडलिस्ट है। सारे लोगों ने बता ही दिया है गोल्ड मेडलिस्ट, तो मैं बता दूं मैंने वीकेएम से किया है ग्रेजुएशन। कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो ध्यान से सुनना। ग्रेजुएशन मैंने वो भी आगे आगे मेन कैंपस में अपना आगे रिसर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, बस उसके लिए जैसा दी ने बताया बस पढ़ाई करना होता है। मैंने अपना ग्रेजुएशन वीकेएम से किया हुआ है, फिर मैंने एमए में मैं यहाँ इस डिपार्टमेंट में आई हूँ। मेरा फर्स्ट रैंक था एंट्रेंस में भी, एमए फर्स्ट। हाँ, और उसके बाद मैंने यहाँ से अपना एमए पूरा किया 2019 में। उसके बाद मैं रिसर्च में हूँ प्रोफेसर सुमन जैन मैम के अंडर, डिजास्टर मैनेजमेंट इन एंशिएंट इंडिया मेरा टॉपिक है। मैं एडिशनल जानकारी मैम ने जो छोड़ दिया है वो देना चाहूँगी कि जो बच्चे इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ आर्कियोलॉजी से ही नेट दे के इस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, वो हिस्ट्री से और इंडियन कल्चर से भी नेट करने के बाद इस डिपार्टमेंट में रिसर्च में इनरोल हो सकते हैं, आगे अपना रिसर्च कर सकते हैं कंटिन्यू। तो आर्कियोलॉजी में थोड़ा लिमिटेड है स्कोप, लेकिन फिर भी अब बहुत सारी हिस्ट्री और कल्चर के साथ उसको रिलेट करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस फील्ड में हायर एजुकेशन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट हायर लेवल का है और आपको इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, बस पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम फिर भी आप लोगों ने पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस दिया और मोटिवेट भी करा, बट मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो रास्ता होगा जहाँ पे आप लोग इंजॉय करते होगे, जो भी सोशल मीडिया स्पोर्ट्स कुछ भी होगा। हॉस्टल बहुत इंजॉय किया है। मतलब मैं बता रही हूँ, खाना बहुत अच्छा नहीं होता था, आलू की सब्जी छोड़ के और आलू का पराठा छोड़ के आलू हर चीज़ में होता था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है हॉस्टल लाइफ, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, वही हमारा इंजॉयमेंट था। रात के 2-3 बजे तक बैठना, मैगी खाना, रात में कॉफ़ी पीना केटल छुपा छुपा के, वही इंजॉयमेंट रहा है हमारा। में पढ़ रहे हैं आप, कैंपस में हैं आप, हॉस्टल में हैं, तो आप अलग दुनिया में हैं। आप और कुछ नहीं चाहिए अगर आप कैंपस के अंदर, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली, पूरा एक यहाँ सोशल मीडिया हैंडलिंग चल रहा है, हमारा कल्ट चल रहा है, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। और मुझे इन सभी बातों में एक बात जो आपको समझानी है, एफिलेटेड की लड़कियां जब भी वीडियोस देखती हैं कमेंट रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि एफिलेटेड की लड़कियां सोचती हैं कि हमें मेन कैंपस नहीं मिला तो होप खत्म हो। हम लोग एमए में हमारा एडमिशन हुआ तो 30-40% स्टूडेंट्स एफिलिएटेड के ही थे, 30-40% बच्चे एफिलिएटेड के थे। ऐसा कुछ नहीं है कि एमएमबी जो अंदर है, एमएमबी भी एक तरह से बाहर ही है, यहाँ से एमएमबी के बच्चे होते हैं एफिलिएटेड, लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं एक्चुअली। जब से हम लोग एंट्रेंस दे रहे हैं 10-10, 20-20 रैंक तक और कोई लड़का होता ही नहीं है, लड़कियाँ ही होती हैं सिर्फ, ये कई साल से हो रहा है ऐसा, और कई साल से गोल्ड मेडलिस्ट भी मोस्टली लड़कियाँ रहती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, लड़कियां भी मोटिवेट हो सकती है, एफिलिएटेड की लड़की हो, एमएमबी की लड़की हो, चाहे यहाँ आप जो लड़कियां पढ़ रही हैं, सब हाँ सबके लिए सब कुछ है। हाँ, लड़के तो ठीक है, वो तो बहुत मोटिवेटेड है, वो लोग ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड, उनको और जरूरत नहीं है। मैं लड़कियों के लिए, लड़के पीछे क्यों जा रहे हैं वैसे, मतलब उनके रैंक वो पढ़ाई नहीं कर रहे, ध्यान पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हायर में लड़कियाँ इसलिए ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि कहा जाता है कि लड़कियों में पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, और जो रिसर्च है वो पेशेंस का काम है, अगर आप पेशेंस रखते हो तो रिसर्च अच्छे से कर सकते हो। लड़कियाँ ज़्यादा स्टेबल होती हैं, जैसे रिसर्च में बहुत सारे बुक्स रखने होते हैं और एक साथ बैठ के पढ़ना होता है बुक्स को, तो आप हाँ लड़कियाँ जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठ सकती हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं, देखती हैं, समझती हैं, फिर कुछ करती हैं, और लड़कों में क्या होता है कि वो नहीं, हाँ ऐसी बात नहीं है, लड़के भी पढ़ते हैं, मैं लड़कों को नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते, हाँ लड़कों को मैं आप बचा रही हैं, जज नहीं कर सकते हम किसी को, जज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे किसी को, लेकिन हाँ जहाँ पे हम कहते थे कि लड़कियाँ पीछे हैं, इतना लंबा एजुकेशन नहीं ले सकती हैं, तो उस मैं उसके लिए कहना चाहूँगी कि इसमें रिसर्च में वो आ सकती हैं, और आर्कियोलॉजी में जैसे बोलते हैं कि सब ये इसमें स्कोप नहीं है, तो मैं इसको नहीं मानती हूँ, ये मैं ये बोलती हूँ कि ये इसमें आना चाहते हैं बीएचयू में पढ़ने वालों की हमेशा जगह है।
जो भी मेहनत कर रहा है पढ़ रहा है बीएचयू में, उसके लिए सीट है, उसके लिए जगह है, बात खत्म। और आर्कियोलॉजी का जो बोल रहे हैं कि स्कोप नहीं है, स्कोप भी काफ़ी अच्छा है, और इसमें तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक ये है कि हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको बोलेंगे कि इसका जो फील्ड है छोटा है, अगर कहीं भी आपको इंडिया में या इंडिया के बाहर कोई भी सेमिनार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो बड़े ही जल्दी वो जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सब तक पहुँच जाता है अच्छे से, और आप जाके कर भी सकते हो। और बाहर अगर आपका शोध का टॉपिक जो है वो बाहर कहीं, जैसे हमारे यहाँ कम्बूज से लोग रिलेटेड कर रहे हैं, तो अगर आपको जाना है तो उसके लिए पैसे हुआ, फिर कोई भी फेलोशिप है तो अच्छा खासा फेलोशिप यहाँ से दिया जाता है। धन्यवाद। एक बात मैं बताती हूँ, लड़कों का बचाव देखते हैं मैम कहाँ तक करती हैं। नहीं, लड़कों का बचाव नहीं करूँगी, मैं ये बताऊँगी, ऐड करूँगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आर्कियोलॉजी में जो नेट निकालने की सीट्स बहुत कम होती है, और जो लोग होते हैं हमारे विभाग से वो हिस्ट्री के तरफ ज़्यादा, मतलब उनका ध्यान रहता है, वो सोचते हैं कि वैकेंसीज जो होंगी वो हिस्ट्रीज में ज़्यादा आएंगी, तो वो हिस्ट्री से नेट निकालने की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर मैं ये कहूँगी एमए के स्टूडेंट्स स्पेशली कि अगर वो आर्कियोलॉजी से नेट निकालना चाहते हैं तो वो पूरी कोशिश करें कि जब वो एमए में रहें तभी वो प्रिपरेशन करें। हाँ, अदरवाइज जब आप एमए क्लियर कर लोगे ना, आपका पोस्ट ग्रेजुएट ये हो जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा। स्टार्ट होते ही फर्स्ट ईयर में आप वो वहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हो, जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू होता है आप नेट ज़्यादा देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन आपको जैसे ही एमए स्टार्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको पढ़ाई शुरू करनी होगी, वरना जब एलिजिबल होगे आपके लिए बहुत लेट होगा, फिर एमए ख़त्म होते होते एमए का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि आप पढ़ नहीं पाओगे। तो फर्स्ट ईयर ही सही टाइम होता है फर्स्ट सेमेस्टर से ही कि आप नेट ज़्यादा के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो, और अगर आप तब से शुरू कर देते हो तो एक साल के प्रिपरेशन में आराम से JRF क्वालिफाई कर सकते हो। नेट तो नेट, JRF भी क्वालिफाई हो जाएगा। हम लोगों का ऐसे ही हुआ है, मेरा एमए थर्ड सेमेस्टर में ही JRF क्वालिफाई हो गया था, वो फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाई शुरू की थी, थर्ड सेमेस्टर में JRF क्वालिफाई हो गया था, बाद में यहाँ पे एडमिशन हो गया। तो बस सो फाइनली बातें मुझे लग रहा है रुकेंगी नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, छोटा मोटा एक्सपीरियंस होता बात ख़त्म हो जाती। तो फाइनली यहीं पे थैंक यू बोलेंगे, और प्लीज़ यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहेंगे कि मैम लोग की वजह से आज यहाँ पे इतना अच्छा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज हो पाया है, इतना अच्छा इवेंट चल रहा है। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। मेरे चैनल का नाम है BHU पाठशाला। बहुत बहुत धन्यवाद BHU पाठशाला आपको भी, और बहुत बहुत बधाई हो कि हम आप हमारे डिपार्टमेंट में आए, और ऐसे ही आते रहिए। थैंक यू सो मच मैम। हाँ मैम, जो कंक्लूड करना है, जो BA के बच्चे और जो MA के बच्चे हैं जिनको ये सब्जेक्ट मिल रहा है वो बिल्कुल चिंता ना करें, ये सब्जेक्ट परफेक्ट है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, हिस्ट्री को जी सकते हैं, हिस्ट्री के साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें रही, ठीक है, ओके, बाय बाय।